हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करडा पुलिस की कार्रवाई 9,500 रुपए के जाली नोटों के साथ एक गिरफ्तार। करडा पुलिस ने थाना क्षेत्र के खारा गांव से एक जने को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। करडा पुलिस को गुरुवार रात्रि को सूचना मिली कि खारा गांव में एक व्यक्ति द्वारा जाली नोट दुकान पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार तस्करों एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सांचौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह, रानीवाड़ा वृत्त अधिकारी रतनलाल मेघवाल व प्रशिक्षु डिप्टी अनु विश्वई के सुपरविजन में प्रभावी कार्रवाई हेतु ASI कृष्णा राम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए खारा गाँव से मीरपुरा निवासी बीरबल राम पुत्र बाबूलाल विश्वई का दस्तयाब कर तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 19 नोट 500-500 रुपए मूल्य के 9,500 रुपए एक ही सीरियल नंबर के पाए गए। पुलिस को प्रथम दृष्टया जाली नोट प्रतीत होने पर नोट बरामद कर आरोपी बीरबल राम को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन नंबर F26/7 2/5 की पालना में नोडल थाना भीनमाल में प्रकरण धारा 489 ABC भादस में दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में उक्त जाली नोट बैंगलोर से संदीप नाम के व्यक्ति से खरीद कर लाना बताया है, जिस संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी है। उक्त कार्यवाही में ASI कृष्णा राम की टीम में हेड कांस्टेबल राजू राम, कांस्टेबल मोहन लाल, शंकर लाल, जगदीश, भवर लाल, महिला कांस्टेबल श्रीमती प्रियंका एवं चालक पुन्मा राम शामिल रहे। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।